हिंदी हमारी भाषा नहीं, लेकिन गलत हिंदी बोलना ये एक आम चीज है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड वी नीड टू नो इंग्लिश, वी नीड टू इंटरैक्ट इन इंग्लिश। लेकिन हिंदी की कीमत भी नहीं, इंग्लिश और हिंदी का कहीं भी कोई क्लैश नहीं। आप पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, ईश्वर आपको खूब फिर सारी प्रगति दे, आप सफल हो जीवन में, ये हम सभी लोगों का शुभ आशीर्वाद है, आपकी शिक्षिकाओं का भी, आदरणीय प्राचार्य जी का भी। लेकिन हम अपनी भाषा और अपने संस्कारों से जुड़े रहे। आप लोगों को पता होगा कि जब पूरी दुनिया में शिक्षा का कहीं प्रसार नहीं था, लोग स्टोन एज में रह रहे थे, उस समय भारत एक पूर्ण तौर पर विकसित देश। आप जानते होंगे कि शून्य हमने दिया, दशमलव भारत से निकला, ग्रहों की दूरियां, या उसको और सरल भाषा में कहा जाए कि कब सूर्य ग्रहण लगना है, कब चंद्र ग्रहण लगना है, सोलह इक्लिप्स है, दोनों इक्लिप्स। अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी बताती है पूरी दुनिया को कि आप बताते कितने बजे से लेकर के इतने बजे तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा या सूर्य ग्रहण रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि हमारे विद्वान आर्यभट्ट कितने महान विद्वान थे कि काशी का पंचांग जो हजार वर्ष पहले लिखा गया बिना किसी मशीन के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना इंटरनेट के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बता दिया आज से हजारों वर्ष पहले लिखे काशी के पंचांग में आप उठाइए, आप उसको देख सकते हैं, इस समय से इस समय तक सूर्य ग्रहण रहेगा, चंद्र ग्रहण रहेगा, कितना विकास। आज ये सही बात है, या यूरोप में जो देश हैं वो हमसे बहुत आगे निकल गए। एक समय था जब भारत विश्वगुरु था, बाकी सारे देश पाषाण काल की सभ्यता में जी रहे थे, और हमने पश्चिम की बुराइयों को ज्यादा लिया, उनकी अच्छाइयों को हम नहीं लेते। पश्चिम की हर एक सभ्यता की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं, ये हमारे और आपके विवेक पे। वे आर नॉट रोबोट, भगवान ने ईश्वर ने हमको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, और आपके माता पिता और आपके टीचर आपसे यही कहते हैं कि अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करिए। और जब भी आप अपनी सद्बुद्धि में देखेंगे, आप देखेंगे कि भारत और भारतीयता, इसमें जितना भी गर्व किया जाए, जितना भी गौरव किया जाए, एंड यस टॉकिंग इन हिंदी इज ऑल्सो कूल, यू डोंट नीड टू टॉक इन इंग्लिश टू बी कूल। आजकल आप ही लोगों से ये सब शब्द हम, आप लोग अपने देश की पहचान बनेंगे आगे चल के। आज हम जिस समय में जी रहे हैं, हर आदमी ये सोचता है कि हम ये करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा। आज हम जीवन में हर चीज को इस तराजू पे तौलते हैं कि अगर हम इस चीज को अपनाएंगे तो हम क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, मिलेगा। आप अपनी संस्कृति के संवाहक बनिए, योर द कैरियर। आप अपने आने वाली आगे की पीढ़ी को, अपने देश को गौरवान्वित करें। और यही वजह है, छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे, आप में से जो लोग विदेश गए होंगे, छोटे छोटे देश, अगर कोक उनके यहाँ बिकता है तो उस देश की भाषा में लिखा रहता है, पेप्सी भी बिकता है तो उस देश की भाषा में, मैकडॉनल्ड, केएफसी, ये छोटे छोटे देश में आप जाइएगा तो आप देखेंगे कि वहां की भाषा में। अपनी भाषा का इतना गर्व, इतना प्यार करते हैं लोग कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सिर्फ इंग्लिश चैनल है, 20-22 किलोमीटर का अंतर। लेकिन फ्रांस जब आप जाएंगे
तो लोग अंग्रेजी आप बोलेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे, उनका उनकी ये जिद है कि हमसे बात कर रही है तो हमारी भाषा में बोलिए। आज जो लोग चाइना जाते हैं उनको वहां का इंटरप्रेटर साथ रखना पड़ता है, भले चाइनीज आपकी अंग्रेजी समझें, बट दे वॉन्ट टू टॉक टू यू इन चाइनीज, सो दैट्स व्हाई यू नीड एन इंटरप्रेटर व्हेनेवर यू गो टू चाइना। तो आज हमारे पास ये नहीं है। आज हिंदी दिवस एक दिन आया, आपने मना लिया, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। हिंदी हमारी संस्कृति में है, हमारे हिंदुस्तान का पर्याय है, और ये हमको संकल्प लेना चाहिए कि हमारे पूरे जीवन भर हिंदी हमारे जीवन का एक अभिन्न एक हिस्सा रह जाए, अंग्रेजी से कहीं क्लैश नहीं। और थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा हमारे भारतीय संस्कृति की, आपके माता पिता जिन्होंने आपको इतने अच्छे स्कूल में डाला। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एसी नहीं लगे थे क्लासरूम में, और कई क्लासेस ऐसे थे जहाँ पंखे भी ठीक से नहीं चलते। और मैं समझता हूँ कि जितने टीचर्स हैं या आपके माता पिता, उस समय ये सब चलन नहीं था। उस समय स्कूल में एलिवेटर नहीं हुआ करते थे, लिफ्ट नहीं होते थे, और आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता का जरूर सम्मान करिए, और सम्मान ही नहीं, ये लगना चाहिए कि आप में कुछ परिवर्तन आया है, आप एक इतने अच्छे विद्यालय के छात्र हैं, छात्रा हैं। एक क्लास हुआ करता था पहले नैतिक शिक्षा का, जिसमें अच्छी बातें बताई जाती थी। अब शायद वो क्लासेस खत्म कर दिए गए हैं, स्कूलों में उनकी कोई जरूरत नहीं महसूस की जाती है। उसमें ये बताया जाता था कि बड़ों का सम्मान, माता पिता के पैर धोइए सुबह उठ के, शिक्षकों का सम्मान। और आप कहीं भी जाएं, आप मिडिल ईस्ट में जाएं, वो अपने ढंग से आपको कहेंगे सलाम अलैकुम। जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, इंग्लैंड जाइए, अपने ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक दूसरे को देख के हाय करें, हेलो करें, हम प्रणाम भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, और करना भी चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। और हम अपनी संस्कृति को, अगर हम अपनी माँ को सम्मान नहीं देंगे तो कोई दूसरा क्यों देगा? क्यों कोई ये चाहेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को हम लोग अपनाएं? आज पूरे विश्व में भारत के पास जितनी जनसंख्या है, जितनी योग्यता है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि चाहे नासा हो या विश्व के जितने भी संस्थान हैं, बिना भारतीयों के नहीं चल सकते। योग्यता हमारे अंदर, हमारे अंदर पुरुषार्थ है, मेहनत करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी। जिस चीज की जरूरत है वो ये कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। हम कहीं बाहर जाएं, अपने देश में रहें, हमको देख करके लोगों को ये लगना चाहिए कि हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं। हमारी बोलचाल में, हमारे मिलने जुलने के तरीके में ये लगना चाहिए। और जो भी प्रेजेंटेशन अभी वो ऑर्गेनिक मैन्योर का देखने को मिला, मैं वाकई आज पूरी दुनिया केमिकल फर्टिलाइजर से अलग होकर के, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट है वो हमारे और आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है। आज पूरी दुनिया में जो भी विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री, वो केमिकल फर्टिलाइजर से अलग होकर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे रहे हैं। और आप इस उम्र में इस बात को समझ रहे हैं, ये जान करके बहुत खुशी हुई। आप सभी लोग, ज्ञान इतना सुलभ है, आप सभी लोग फेसबुक पे होंगे, आप सबके पास अपने अपने कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप होंगे, इंटरनेट होगा। इंटरनेट एक ज्ञान का खजाना है, इतना जरूर है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस दिशा में मोड़ दें। हाँ ठीक है, दोस्तों से चैटिंग हो,
एक घंटा चैटिंग करें तो एक घंटा हमको अपने ज्ञान की भी बातें करनी चाहिए, उन शहीदों के बारे में भी जानकारी हासिल करनी चाहिए जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए प्राणों की आहुतियां दी, महापुरुषों की जीवनियां भी पढ़नी चाहिए। वाइल्ड लाइफ के प्रोग्राम, इतना सारा ज्ञान का खजाना आपको उपलब्ध है। अच्छी किताबें पढ़िए। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसी चीज से हो, क्लास की पढ़ाई तो ठीक है यार, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप यहाँ आएंगे, आप पढ़ेंगे। आप अभी मैम से हम पूछ रहे थे कि CDPA क्या होता है, क्योंकि हम लोग के समय में ये कॉन्सेप्ट CDPA का नहीं था, रैंकिंग का। तो आप चाहे CDPA से पास हों, ये हमारी शुभकामना है हमेशा, लेकिन क्लास में अच्छे नंबर लाना एक अलग चीज़ है, और जानकार होना, जानकारी होना ये अलग चीज़ है। आज TV पर देखो, चैनल पर आप चाहें तो नेशनल ज्योग्राफिक देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं, अच्छी न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही कुछ बातें करनी थी आपसे, और मैं प्राचार्य जी का, आदरणीय मंत्रा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको ये सम्मान दिया। और आप लोग को जब भी खड़े देखते हैं, जब भी हम लोग को स्कूलों में बुलाया जाता है, बड़ा संकोच होता है। संकोच इस बात का होता है कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो माननीय मंत्रीगण आते थे या कोई नेता आते थे तो सुबह पे हम लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता था, आज सुबह तो हॉल में पक्के चल रहे हैं, हम लोगों को धूप में खड़ा कर दिया जाता था। और सब लोग ये सोचते थे कि कितनी जल्दी इनका भाषण खत्म हो और हम लोग, लेकिन अपनी बात रखने के पहले एक आखिरी बात आपसे जरूर कहेंगे। अभी मैम ने भी कहा, ईश्वर ने हमको सद्बुद्धि दी, उसका इस्तेमाल करिए। सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज का हमको अभाव है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी आत्मा, हमारी सद्बुद्धि वो हमको रोकती है। और जो भी काम आप अपने माता पिता के सामने न कर सकें, जो भी काम आप अपने बड़े भाई बहन या घर के किसी बड़े के सामने न कर सकें, जो भी काम करते समय आपको ये लगे अगर किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, क्या होगा, वो सारे काम गलत हैं। और जो काम आप अपने माता पिता को पता करके कर सकते हैं, उनके सामने कर सकते हैं, उनसे अनुमति, उनसे परमिशन लेके कर सकते हैं, वो सारे काम सही। मैं समझता हूँ कि इससे सरल भाषा में आपको नहीं समझाया जा सकता। वैसे वैसे आपकी रुचियाँ भी बढ़ेंगी, आपके इसको कहते हैं कि टेस्ट चेंज हो। आप याद करिए, आप अपने माता पिता के साथ जब हजरत बन जाते होंगे, जब आप 2 साल के थे तो गुब्बारा लेने के लिए आप लोग रोकते होंगे, अगर गुब्बारे मिल जाते तो बहुत खुशी होती, अगर किसी कारणवश गुब्बारे नहीं मिले तो आप रोते थे। लेकिन आज आप उस चीज के लिए नहीं रोएंगे, क्यों? क्योंकि वो स्टेज आप पार कर चुके हैं। हो सकता है गुब्बारे के बजाय आप किसी और चीज के लिए आप इतना ही मन करें, लेकिन अगर माता पिता ने वो चीज नहीं दी तो बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है। संतोष एक ऐसा धन है, संतोष एक ऐसी संपत्ति है जिसको हमेशा हम लोगों को अपने पास रखना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप एक इतने अच्छे विद्यालय के छात्र हैं, छात्रा हैं, ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं आपको मिली हैं। जीवन में खूब प्रगति करिए, खूब आगे बढ़िए, देश विदेश में जाइए, अपने देश का नाम करिए, लेकिन अपनी भाषा को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। और अपनी ही संस्कृति ऐसी है, ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप पूछेंगे कि ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन क्या होता है? आज से 5000 वर्ष से भारत में बच्चे और बच्चियां, आप सब लोगों को हमारा ढेर सारा आशीर्वाद। खूब सुखी रहिए, माता पिता को कभी दुखी मत करिए, खूब ख्याल रखिए,
और जीवन में प्रगति पथ से आगे बढ़िए, अपनी संस्कृति अपनी भाषा को लेकर के आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। Your best critic, but they will be your best supporters also. So with a huge round of applause.